जो राम को ला लाए हैं हम उनको लाएंगे यूपी में फिर से योगी जी ही आएंगे बीजेपी का बहुत बढ़िया कार्यकाल बिल्कुल भयमुक्त है योगी जी का भूलने जाने का दोबारा से ठोक के जाओगे बिल्कुल ठोक का गए और रही बात लाल टोपी की लाल निशान तो भी खतरे का निशान हो लाल खतरे का निशान पूरा घुमा रहा है पूरे प्रदेश में तो उससे जो है इन लड़की को फिर खतरा हो सकता है अगर वो टोपी घूमोगे प्रदेश में दो हजार सत्रह से ज्यादा जाट वोट मिलेगी अब कि बार उमेश मलिक को गन्ना का पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा

लेकिन जनता जनार्दन होती है उसके पास ही उसकी सत्ता की चाबी होती है कि किसको वोट देंगे किन मुद्दों पर वोट देंगे ये जनता तय करती है जनता के पास अपना वोट रूप एक हथियार होता है जिससे अच्छे अच्छे नेताओं की चकरा देती है लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के उस इलाके में जो सुर्खियों में है और हर कोई जाने की कोशिश चाहता है क्या आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो जाटलैंड इलाका क्या कुछ कहता है वहां की जनता क्या सोचती है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर हो या शामली हो ये सारे इलाके ऐसे हैं जो किसान आंदोलन को लेकर सुर्खियों में रहे अब की बार क्या जो नए कृषि कानून थे वो वापस हुए उसके बाद क्या जनता का कुछ बीजेपी के प्रति मूड बदला है अगर बदला है तो क्यों और क्या इस बार के खास मुद्दे हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर के खेड़ी गनी गाँव में जो बुढ़ाना विधानसभा सीट के तहत आता है जहां से विधायक मौजूदा बीजेपी के उमेश मलिक हैं लेकिन उन विधायक साहब का कितना काम यहाँ के लोगों को पसंद आया योगी सरकार का काम कितना पसंद आया सीधे सीधे चलता हूँ लोगों के बीच यहाँ अलावा है रात का वक्त है सबसे एक एक करके बात करने की कोशिश करूंगा सबसे बोले मुझे ताऊ जी नजर आ रहे हैं ताऊ जी नमस्कार नमस्ते जी राम राम, राम, राम। सब ठीक ठाक हाँ जी सब ठीक रात का वक्त है सच सच बताना क्या बीजेपी ने जो काम किया है उससे संतुष्ट है यहाँ के विधायक ने जो काम किया संतुष्ट है संतुष्ट है क्या कुछ बदला पांच साल बहुत बदलिया यहाँ तो राम टोपी वाला जो रास्ता लाल टोपी वाला वो राज उसे दो पर उसका जिक्र करो जिनने पाछे देख लिया उसका हम... मुजफ्फरनगर वाला दंगा आज तक ध्यान है वो जो ध्यान है।, है जी दो हजार तेरह में मुस्लिम और जाति एकता का जो नारा दिया जा रहा है उसे क्या करोगे को आ गए दो कोई माई डब ते

तमनसे रात में तमन एक में के दिन थे कहने लगे थे लगे चल एक दर्द जो को ले रहा और जो नहीं मतलब किसी पावा था कहने बहन चोर घर थे चल दिया गाली भी सुने थे धक्के मुक्के भी दे थे, थे। मारपीट करने थे खूब अब तो योगी जी एनकाउंटर करवा दे रहे उदनता तो उन्होंने ऊपर पूछवा दिया सब जाट नाराज तो नहीं है कह रहे पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट कुछ नाराज है जाट नाराज भी जाट को सबको पता नाराज नहीं यहाँ पे सब जाट ही बैठे ये सब जाट ही वो कौन लोग होते हैं कि कुछ लोग हैं खास मीडिया के लोग होते हैं वो जाते हैं और बोली बुलवाते तो नाराज है हम तो नाराज नहीं है ये मलिक है हाँ जी बिल्कुल नाराज नहीं तो हम तो नाराज नहीं है हम तो बीजेपी के साथ हैं कौन फैलाता है बता देंगे बीजेपी को कुछ नहीं मिलने आपस में हसद हो जाए एक दूसरे की अब वो वहां बैठ गया उसकी बुराई कर दो वो मार उनका रोटी खाण चला गया म, हम नहीं जाएगा उसके ये तो असर तो गन्ना का पैसा मिल रहा नहीं मिल रहा खूब मिल रहा पे, रुक भी रहा कुछ आ जाएगा गन्ने का भी जाएगा कहाँ जाए हाँ जा। जा अपना खर्चे जो ऐसा माहौल नहीं है ना खर्चे जोगा मिल जा अब बढ़िया चल रहा है अब आप एक बात बताओ गन्ने का पैसा तो अखिलेश की सरकार में भी नहीं मिल रहा था अब या गन्ने का पैसा मिल रहा या रेट बढ़ेगा मान के चलो योगी सरकार ने एक हजार भी कर दिया या किसी और सरकार ने एक हजार भी कर दिया और वो पैसा हम बैंक में से सुरक्षित अपने घर ना आप आवे वो रास्ते में छीन लिया जा तो तो उस पैसे का लाभ क्या है अब तो सीधे दवाई चले आओ घर कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं।, 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 दिक्कत नहीं है कोई लड़की के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती कोई क्रिमिनल मामला बिल्कुल समाप्त हो लिया किसानों की स्थिति कितनी बदली है किसानों की स्थिति तो है जी देखो जी किसान लगातार तरक्की कर रहा ऐसी बात नहीं है खैर महंगाई बढ़ रही पर लेकिन किसान उस महंगाई में भी एडजस्ट कर कर रहा कर रहा रहा तरक्की क्या लग रहा है माहौल माहौल बीजेपी का क्यों बीजेपी ने राम राज आया उससे हम भी सुरक्षित हमारी आने वाली जो नस्ल है वे भी सुरक्षित होगी और आप देख रहे होंगे हमारे क्षेत्र में पहले सड़कें भी कितनी अच्छी नीचे सड़क गड्ढे थे अब जो इतनी अच्छी सड़कें हैं यदि हमें हरिद्वार जाना हो कम से कम 40 से 50 मिनट दो घंटे दो घंटे में हम चले जाते थे पहले पच पाँच घंटे दस दस घंटे लगते थे रोड इतनी अच्छी हो गई है हम गन्ना ले जाते थे मील में हमारे आधे गन्ने रास्ते में ही गिर जाते थे अब जा चाहे बेड भी ना खनचो ऐसे ही मील में चल जाओ कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया माहौल है और बीजेपी फिर से आएंगे योगी जी फिर से आएंगे अरे लाल टोपी ने तो बहुत लाल रंग निकाला हमारा हम नहीं बोलेंगे दो हजार तेरह को के नहीं <laughs> नहीं भूले जाएगा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया हम हमसे बड़ी सुरक्षा कोई देता ही नहीं है हमने विकास कर दिया सारा अखिलेश ने तो जितने गुंडा तत्व तो पाल के दिया हमें उसे इवलो योगी जी ने उनके घुटनों पर गोली मार मार के अभी तो बैठाई भी घर पे खुद भाग रहे जेल की तरफ हाँ योगी जी आ रहे हैं गाड़ी पलटा देंगे भैया गाड़ी पलटा देंगे जल्दी घुस जाओ जेल में सब भाग गए गुंडा सब खत्म होगा गुंडा राज बीजेपी कितनी पा रहे तीन सौ प्लस सब जाट साथ हैं इस बार पूरा आशीर्वाद है बारू जी कहा आशीर्वाद है इस बार भाजपा में भाजपा में क्यों बस वही पसंद है जी, बढ़िया काम कर रहे जी। और काम कर कर, कर रहे जी और बहुत फर्स्ट क्लास हैं किसान विरोधी बता मैं तो सब बकवास कर रहे जी बेहतरीन काम कर रहा है खुश है फसल का दाम टाइम से मिल रहा है हाँ जी बिल्कुल यहाँ के विधायक साहब कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सब काम कर रहे हैं सड़के वड़के सब फर्स्ट क्लास का रखी फिर से लाओगे विधायक जी बिल्कुल पक्का जी ठोक के दिल ठोक के विधायक जी तो पक्का होंगे जीतेंगे पूर्ण पूर्ण पूर रूप से जीतेंगे सो के सो परसेंट जीतते विधायक जी दोबारा टिकट मिलती तो फिर से टिकट तो इनका पहले ही कन्फर्म हो चुका जीतेंगे सौ के सौ परसेंट तो देख, देख रहे, तो, आ जाने का देख रहे हम तो विधायक जी का टिकट है विधायक जी का टिकट कहीं नहीं गया इनका काम इतना करा इनका भी टिकट अच्छा है इनका एकदम इनका एकदम सो में सो नंबर है रिपोर्ट कार्ड में विधायक जी को तो विधायक जी का टिकट काट कौन देगा जब सो में सो नंबर है लेकिन अखिलेश गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग होते थे कि भैया जहाँ देखा थोड़ा बहुत पहले परिवारवाद चलता था कि यहाँ तो नहीं चल रहा है नहीं भाजपा में कोई बात नहीं है परिवार का बात नहीं है किसी को पैसे नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए बहुत बड़ा अंतर है मायावती और सपा के मुकाबले भाजपा में तो बहुत बड़ा अंतर है मायावती में सपा में तो पैसे लेकर टिकट मिलता है यहाँ से है ही नहीं बु, बुआ बबुआ अलग हो गए दो लड़के फिर अलग अब नए लड़के आए ये कुछ करेंगे चौधरी साहब का जैन चौधरी का तो जी हम सम्मान करते हैं हमारे नेता भी हम उन्हें ये सच्चाई है नेता है, वे। पर नेता है। हम उन्हें अपने मानते हैं ये हकीकत है पर लेकिन वे सपा के साथ चले गए इसलिए हम वोट नहीं दे पाएंगे के। बीजेपी के साथ ही करे हाँ बीजेपी को देना हमारी मजबूरी हो सपा को हम वोट नहीं दे सकते क्योंकि दो हजार तेरह में अभी तक भूल रहे तुम भूल गए क्या दो हजार तेरह वो तो भूल जानेगा जी दो हजार तेरह नहीं बुले जानेगा ना भूल पा रहे हो ਉਸਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ 2013 ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਟ ਖਲਮ ਨੇ ਦੇ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਸਮਨ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਮਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਲੇ ਕੋਤਵਾਲਾ ਰੈਸ ਦਰੋਗਾ ਥਾ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਟ ਮੈਂ ਦਰ ਦੂਨ ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਸਕੇ ਨਾਮ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਗੇ ਫਰਜੀ ਮੁਕਦਮੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਿਆਜ ਹਮ ਜਾਨੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹਮ ਜੜੂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੋਕ ਕੱਢ ਗਏ ਔਰ ਰਹੀ ਬਾਤ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਕੀ लाल निशान तो भी खतरे का निशान हो और हमारे लिए तो बिल्कुल खतरे का भाई वो वो नहीं बोले जाने का मारे पे जिंदगी में नहीं आने का जयंत चौधरी चले जाओ जाटो के वोट काटने के लिए कुछ भी कर लो लेकिन जाएंगे जयंत जा चौधरी सुन ले सिंह सिंह चरण का इस के ऊपर आसान है हाँ। वो एक किसान मछिया है मछिया मान्य भगवान का दर्जा दे रखा रही बात जयंत की जयंत के पापा ने उन्हें कहा था जिसके अड्डी में सबा का झंडा उसमें बैठा गुंडा वो तो अपने पापा की उस पर नहीं चल रहा हूँ हमारी सुरक्षा कहां था कर दा कहाँ धा कर देगा हम नहीं नहीं के भाई उसे कुछ मामला बनाया है दो साल में एक पांच साल में कुछ नहीं किसने बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार ने तो खुशहाली बनाया थी रोड देख ला कैसे कैसे रोड बन बने खुश है किसान बिल्कुल नंबर वन प्रशासन नाराज तो नहीं है जाट जाट तो क्यूँ नाराज होंगे पता सब जगह खबर फैलाते हैं लोग पता नहीं कौन है कि भैया जाट नाराज है वहाँ के जाके तुम भी तो पांच सात गम तुम भी घूम का आए होंगे कहीं नाराजगी दिख रही तो कोई नाराजगी नहीं है ये सब अजेंडा चल रहा है तो ऐसा लग रहा, कि भाई। भाई तो तो ये, ये रहा है कृषि कानून वापस था सम्मेलन भाईचारा बनाया जाट मुस्लिम एकता आ गई है दोबारा से ये सब दोनों जो खड़े हुए भाई भाई दोनों इन्होंने तो बिगाड़ दी थी एकता ये तो एकता ही भाजपा ने बनाई बीच बो दिए थे जाट मुस्लिम सारे आपस में लड़ा दिए थे नाश कर दिया था कम हो गया ये जो एकता बनी बीजेपी सरकार में बनी भाई ये तो नाश करके गए थे क्षेत्र का को राहुल गांधी कहीं सीन नहीं दिख रहा क्या लग रहा है आपको बेचारे क्या हो गया उनको अचानक वो तो पप्पू है पप्पू को पप्पू जाना पता तो उसका भाई वो यही बताओ वो तो कदम है उसका क्या जी कर रहा तू कौन जान रहा जानता ना कोई भी नहीं जानता पप्पू वो तो क्या लग रहा है ताऊ जी जी आपको बढ़िया लग रहा है है क्या नाम आपका कृष्णपाल जी नाराज तो नहीं है बीजेपी से क्या बात है इसमें

दो हजार सत्रह से ज्यादा जाट वोट मिलेगी अब की बार उमेश मलिक को से ज़्यादा कारण क्या है सुरक्षा सब तो बड़ी तो चीज है तो और सुरक्षा इतनी कहीं घूमो कोई दिक्कत ही नहीं रामराज आ रहे माहौल एकदम बना दिया क्या अच्छा लगा वैसे गवर्नमेंट में गवर्नमेंट में सारे काम बढ़िया लग रहा है अखिलेश या यादव क्या है ताल ठोकर चार सौ पारे सपना आ गया कृष्ण जी भगवान का <laughs> सपना डरे वहाँ से जा जा ड़, ड़, कहा दे रहा सपने सब, फर्जी बना रहा फर्जी फर्जी जो राम को लाए है हम उनको लाएंगे यूपी में फिर से योगी जी ही आएंगे में फिर से योगी जी आएंगे ताऊ जी नमस्कार क्या हाल है बढ़िया जी है? जी 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 कैसा चल रहा है बहुत बढ़िया जी पक्ष में चल रही है बीजेपी भी, के क्यों बीजेपी ने अच्छा काम किया जी दंगा किसानों को लपेट दिया नहीं जी तो इन्होने तो बचाया जी अखिलेश ने लपेट दिए थे अखिलेश ने खाम का झूठे सच्चे फसा दिए थे सब यहाँ बीजेपी का बहुत बढ़िया कार्यकाल बिल्कुल भयमुक्त है कहीं घूमो कोई कुछ नहीं कहता या बीजेपी के साथ आ रहे हो कि होगी फिर अभी जो कृषि कानून वापस हो गए उसके बाद माहौल बदला है कुछ नहीं जी हम तो पहले बीजेपी के ही थे जी से ही नाराजगी नहीं है नाराज बिल्कुल ना नहीं उमेश वलिक के साथ थे आज भी है ठोक के एकदम खूब बढ़िया और बढ़िया मजबूत विधायक है बहुत कर्मशील बहुत मिलनसार जो जैन चौधरी सा उसके साथ आ गए अखिलेश यादव के साथ तो कुछ माहौल बदलेगा तो चिड़ी है नुकसान तो फिर तो वो घाटे में जाएंगे हाँ जी हाँ अखिलेश के साथ कोई नहीं है ना जी हाँ जी आप तो लग रहे हो अखिलेश के हिसाब के से क्या लग रहा है माहौल उनके साथ ही हाँ जी अखिलेश के साथ है तो क्या कर वो भी अपने प्रांत का एक लीडर है पार्टी का लीडर है लेकिन ये लड़कियों को लड़के पढ़ने से घर बैठा दिया था ये फिर पढ़ने जाने लगी तो इतना माहौल अच्छा हो गया कि उसे तो दुख हो रहा है लाल खतरे का निशान पूरा घुमा रहा है पूरे प्रदेश में तो उससे जो है इन लड़की को फिर खतरा हो सकता है अगर वो टॉपिक गई प्रदेश में ये पढ़ने नहीं जाती थी कहीं रिश्तेदार में जा सकती थी जहाँ भी कोई घटना होती तो तुरंत जो है पढ़ना छोड़ देता कुछ ग्रेजुएशन में लड़की पढ़ रही थी यहाँ से कुछ दूर कस्बा पड़ता है बुढ़ाना वो बी ए कहती पापा मम्मी मैं पढ़ने नहीं जाऊँगी मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो एक तो ये राहत मिली सबसे बड़ी तो पढ़ने में और जो गांव में से ट्रॉलियों में अपने साधन से लड़कियां बहू जाती थी उनको बुढ़ाना शाहपुर बगरा तीन जगह रोज आना कोई ना कोई से था और कोई जाना बंद कर दिया था तो चार पाँच साल तक परेशान हो गया पर यही हुआ कि जी वो उसने झगड़ा करा और फर्जी मुकदमे करके वहाँ हमारा गांव पड़ता है कैडी गनी से एक डेढ़ किलोमीटर साढ़े बारह सौ नाम रिपोर्ट है और ढाई हजार ढाई सौ के जो है नामजद है और उन्हीं लोगों ने जो उनको लूटा पीटा उनको भगा के ले गए और गांव जु, जु, जु के जुम में मुकदमा छोड़ गए उमेश मलिक वो यहाँ से विधायक हुआ उसने कुछ गौर करी कुछ का पंडा चुट गया कुछ भी लटक रहे और ये लाल टोप आ गई पेड़ में लद गए और ये पढ़ना बंद हो जाएगा लड़कियों का ये बात ना उतना बंद हो जाएगा औरतों का ये ट्रोली में चले ना गीत गाती ये सब बंद हो जाएगा इस तरह का माहौल जो है फेर नहीं चाहता पब्लिक और रही रियलिटी के आप अब मेरे से पूछ नहीं रहे उसके बारे में हमारे नेता रहे चौधरी चरण सिंह किसान नेता रहे पूरे देश के रहे उनके लड़के ने चौधरी अजीत सिंह ने बहुत काम किया जहाँ भी जो सा महकमा उन्हें मिला मंत्रालय में बहुत अच्छा काम किया जैन चौधरी हैं इनको थोड़ा सा ये है बस छोटी पार्टी रहेगी कहीं तो रोंगल मिल जा तू तो अखिलेश जी के साथ मिले अखिलेश जी की टोपी देखती हुई आधा किसान जाट बिराद ने जी आधा किसान जो है एकदम जो है एल को छोड़ दिया अच्छा मतलब हम तो वोट ही नहीं करेंगे लाल, नहीं नहीं, नहीं, लाल टोपी तो हम सुनना भी नहीं चाहते लाल टोपी ये कहते हैं, हैं।, तो हैं अखिलेश हाँ, हाँ। करे किसानों की बात तो गुंडू की बात करे अखिलेश तो गुंडा ही सरकार होती तो राम मंदिर बहुत बड़ा बनता अपना ही तो बना देता एक साल में कहा चली गई थी पहले यही नहीं थीले गया था सचिन अर गौरव मार दिए थे और वो ठहल लिए वो मुलजिम और रात रात में डी और वो एस पी भी सब कुछ उसमें हेलीकॉप्टर में तो भूले दो हजार तेरह वाला नहीं, बिल्कुल नहीं भूलने भूलने भी नहीं भूलने भी नहीं वोट से चोट दोगे उन्हें हाँ बिल्कुल वोट देंगे उमेश मलिक को यहाँ उलिक तो से देखा आपने ये खेड़ी घनी गाँव है और भी लोग हैं आप कहाँ से यहीं से ही है जी हाँ यहीं से क्या लग रहा है इस बार मुद्दा कौन सा है धमाकेदार मुद्दा सारा एक तो कानून व्यवस्था ही है एक बीजेपी का जो यू है देश में है इसमें हमारे इसमें स्टेट इस में दंगे वाली बात है एक कौम का ही पक्ष करे अखिलेश बीजेपी सबको साथ ले रही सबका साथ सबका विकास बिल्कुल ठीक काम कर रही जाट तो नाराज नहीं है नहीं नहीं जाट कोई नाराज नहीं है कह रहे भैया वहाँ के पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट इतने नाराज हैं कि बीजेपी नहीं आएगी किसान विरोधी है नहीं ना नाराज नहीं है जो थोड़ा घना था वो लोक दल की उड़कू झुकाव था वो इस अखिलेश की वजह से वो भी खत्म है ये अखिलेश के साथ मिल गए तो और खत्म हो गया बिल्कुल बिल्कुल खत्म है अखिलेश की शायद पिछले पांच साल अखिलेश के देख रखे यहाँ थाने में भी सुनवाई नहीं होती सब मामला खराब था अब अब सब सुनवाई होती है बिल्कुल सही है मंदिर भी जैसा आप कह रहे थे अखिलेश ने कहा अखिलेश ने तो कही मंदिर बनाने का कोई वही नहीं था जो भी कर रही बीजेपी कर रही उसका मतलब की है अखिलेश का मंदिर में जरूरत में मंदिर बनवा बनवाया लेकिन अखिलेश को सपने आ रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं, सपने कृष्ण के आ रहे वे वहाँ तो है तो राम मंदिर बन रहा कृष्ण के सपने आ रहे अलग के अगर मेरी <laughs> सरकार होती तो मैं बहुत भव्य मंदिर बना देता लेकिन उनकी सरकार रही तब तो कुछ नहीं नहीं, 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 नहीं। उनका तो उनकी तो दो बार सरकार रही उसके पिताजी की भी रही उसकी भी रही, उसकी भी रही ऐसा कुछ नहीं रहा, रहा। उन पर राम भक्तों पर ही गोलिन चलाई थी कार सेवक पे तो ये तो सब झूठ है बात कर लो जब जानू आगे हाँ इस अखिलेश आजम खान से बात कर लो, हाँ, तो लो। चले आजम खान जेल से निकाल लो शिवपाल तो का फोन आ लिया न्याय भागी कोई बात ही नहीं थी अन्याय था अन्याय चल रहा था अखिलेश राज में कैसे अन्याय चल रहा था ये बताया उन्होंने और यहाँ के जो जाट हैं सारे लोग मोस्टली जाट थे उन्होंने अपनी बात रखी अलग अलग तरीके से कि क्या है इस बार के मुद्दे मुजफ्फ़रनगर का दंगा फिर से वो घाव को जो है उभार रहा है और उनके मन में बार बार यही सवाल आता है मैं लोगों से बात करता हूं तो मुजफ़्फ़रनगर के दंगे को नहीं भूलें समाजवादी पार्टी थी उस वक़्त वक्त सरकार में और आजम खान कैबिनेट मिनिस्टर थे तो वो भी जिक्र कर रहे हैं कैसे इन लोगों ने एक तरफ़ पक्ष लिया था कार्रवाई दोनों तरफ से नहीं हुई थी और वो दंश आज तक जो है इन्होंने झेला और उस, उस मुद्दे को ये इस बार भी चुनाव में रखेंगे और साफ़ तौर पर जिस तरीके से कहा जाता है कि जाट बहुत नाराज हैं तो हमने सीधे ये खेड़ी गनी गाँव है जो बुढ़ाना विधानसभा के अंदर आता है और ये मुजफ्फरनगर के ज़िले में है तो सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी बताया कि कैसे योगी सरकार में सुरक्षा की जो स्थिति है बहुत ही पुख्ता हुई है पहले बेटियों का निकलना बाहर दुशवार हो जाता था किसानों से अगर बाहर से अगर वो पैसा कहीं ले जा रहे हैं एक दूसरे तरफ तो उनसे लूटपाट की जाती थी लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है सुरक्षा की स्थिति बहुत बेहतर हुई है पैसा टाइम पर मिल रहा है गन्ना का हो या फिर गेहूं का हो वो सब स्थिति बन चुकी है किसानों इस इनसे खुश हैं योगी सरकार से ये आवाज़ यहाँ से निकल कर आ रही है हम लगातार ये चुनावी दौरा करते रहेंगे लोगों के बीच बातचीत करते रहेंगे जानते रहेंगे हाल कि जनता का क्या है मिजाज और क्या है उनकी जहन में इस बार जब वो जाएंगे वोट करने किसको वोट करेंगे और इस बार किसको मिलेगी चोट कैमरामैन रवि के साथ मैं युष्टर उपाध्याय कैपिटल टीवी नमस्कार